गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास थ्री का जनरल नॉलेज बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिट वन लेसन एट, चैप्टर का नाम है हेडर क्रिएटर्स, यानी पंख वाले जीव, पंख वाले पक्षी। देयर आर सीन टू बी थाउजेंड्स ऑफ वर्ड अराउंड, देखा गया है कि हम लोग के आसपास हजारों तरह के पक्षियां हैं। सम ऑफ सोर स्काईवर्ड्स वाइल्ड सम कैन रन इवन फास्टर देन चीता, कुछ हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं तो कुछ चीता से भी तेज दौड़ने वाले पक्षी होते हैं। कुछ मधुर संगीत सुना के हम लोग का सुबह का आरंभ करता है तो कुछ अपने चहचहाट से हम लोग का मन को मोह लेता है। आज हम लोग इसी बर्ड्स के बारे में क्रॉसवर्ड के सहारे, ठीक है, इस तरह के पक्षों के बारे में जानेंगे, इनका नाम जानेंगे। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको क्रॉसवर्ड को फिल करना है। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे डाउन के तरफ ऊपर से नीचे जो है ये वो डाउन और लेफ्ट टू जो राइट है, लेफ्ट टू राइट हो गया अक्रॉस, इसी तरह का आपको बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है, इसको आपको फिल करना है। तो वेर डाउन के तरफ देखते हैं, डाउन में दिया गया है नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या कौन है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वन नंबर, इसमें आपको फिल करना है। तो आप देख रहे हैं कि पी लिखा हुआ है, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक हो जाएगा। देखो सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, ए लार्ज बर्ड ऑफ प्रे दैट लिव्स ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एक बड़ा सा पक्षी है जो दूसरे जानवरों का मरा हुआ मांस खाता है, वो हो जाएगा आपको। टू नंबर में देखो बी यू एल टी यू आर ए, वल्चर हो जाएगा। फोर नंबर में देखिए गुजी गुजी, गुजी गुजी आवाज स्वर जो है ये कौन सा पक्षी का है, ये है गैंडर हंस। इसी तरह सिक्स नंबर में देखो, अभी जो मैं कर रहा हूँ डाउन वाला कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे वाला बॉक्सेस। न्यूजीलैंडर्स आर नॉन बाय दिस नेम, न्यूजीलैंडर्स इस पक्षी को इस नाम से जानते हैं। तो सिक्स नंबर में देखो क्या है, के आई डब्ल्यू आई कीवी हो जाएगा। सेवन नंबर में है दी लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, सेवन नंबर, तो देखो ओ एच डी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच हो जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ नहीं सकता हो। नाइन नंबर देखो सिंबल ऑफ पीस, तो ये डब हो जाएगा, डी ओ बी डब। टेन नंबर देखो व्हीकल ऑफ गॉडेस सरस्वती, माँ सरस्वती का जो सवारी जिसको कहते हैं वो कौन है, स्वान हो जाएगा, एफ डब्ल्यू ए एन, ठीक है। इसी तरह अब देखो क्रॉस एक्रॉस वाला में क्या है, ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ द अंटार्कटिक रीजन दैट वॉक्स लाइक ए मैन, एक पक्षी जो अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, वो जो चलता है वो मनुष्य के जैसे उसका चलना होता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, पेंगुइन हो गया, पी एन जी यू आई एन पेंगुइन। अब फाइव नंबर में देखो क्या कह रहा है, ए बर्ड दैट इज टू लेजी टू मेक इट्स ऑन नेस्ट, एक पक्षी जो बहुत आलसी होता है, ये अपना रहने का घोंसला भी नहीं बनाता है, तो क्या हो जाएगा, सी यू सी के डबल कुकू हो जाएगा, कोयल। एट नंबर में देखो क्रॉस का क्या है, ए वाटर बर्ड विद वेब शेप फीट, एक पानी में रहने वाला पक्षी जिसका वेब शेप फीट होता है, जिसका पैर जो होता है बहुत फ्लैट होता है, फैला हुआ होता है, जिसके सहारे वो पानी में चल पाता है। तो ये एट नंबर का देखो क्या हो जाएगा,
डक हो जाएगा डी यू सी के डक। अगले वर्ड एक कैरियर ऑफ मैसेज, मैसेज पहुंचाने वाला वर्ड कौन है, पी आई ई जी ओ एन पिजन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं संदेश पहुंचाने वाला। प्राचीन समय में इस वर्ड के सारे संदेश को पहुंचाया जाता है, पत्र को चिट्ठी को पहुंचाया जाता था। तो इसी को आप पढ़ के आप इजीली इसको इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो डाउन का हो या एक्रॉस का हो, ठीक है। तो आप आपको आपका टास्क यही है, होमवर्क यही आज का, कि चैप्टर 8 यानी यूनिट 1 का लेसन 8 को पढ़ के इस क्रॉसवर्ड को फिल करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें क्या आपको दिक्कत आई, उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। बाय।